मेरी फैमिली के सभी मेंबर बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेल गाइस, मैंने आप सभी के साथ बहुत सारे वनडे चैलेंज शेयर किए हैं जिसके अमेजिंग और वंडरफुल रिजल्ट आपको मिले हैं, बट आज का जो वनडे चैलेंज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल यूनिक फॉर्मूला है और इसका जस्ट वन यूज बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देगा। जी हाँ, एक बार में ही इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला ये वनडे चैलेंज आपके फेस के ऊपर से बहुत सारे स्किन इश्यूज को खत्म करने वाला है। जैसे अगर आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, डल स्किन की प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्शन अगर आपका डे बाय डे बहुत ज्यादा डल होता चला जा रहा है, रंग सांवला पड़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत वंडरफुल काम करने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गाइज। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो विद बेल आइकन कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं वनडे चैलेंज। तो इस वनडे चैलेंज के लिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेड लेंटिन यानी लाल मसूर की दाल का, जो कि हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन कर दी है। तो आधा कटोरी आपको लाल मसूर की दाल ले लेनी है, इसको अच्छे से साफ कर लेना है आपको। इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में, और इसके बाद नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है 10 से 15 बादाम, जो कि विटामिन ई का भरपूर खजाना है और साथ ही साथ हमारी स्किन को फेयर करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छा सा फाइन पाउडर बनाकर कुछ इस तरह से पीस लेना है गाइस। और ये आप देखिए, मैंने इसको बहुत महीन पीसा हुआ है। अब आप किसी भी बाउल में, किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में इसको निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हम इस्तेमाल करेंगे, वो है ग्राम फ्लोर यानी बेसन। बेसन हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, साथ ही साथ अगर चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं तो उनको हटाता है, रंग को फेयर करता है और स्किन से जो ऑयल की एक्सेस होती है उसको भी रिमूव करता है। तो यहाँ पे 3 टीस्पून आपको इसमें बेसन की ऐड करनी है गाइस। अच्छे से आप इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का ये पाउडर हमें मिल जाएगा, जिसको आप स्टोर करके रख लीजिए, यानी बार बार बनाने की हमें झंझट नहीं है। जब भी आपको इसे यूज करना है नहाने से पहले, या जब भी आप चाहें इसको लगाना, तो आपको क्या करना है, एक बाउल में तकरीबन 1 चम्मच ये पाउडर आप निकाल लोगे। ठीक है, 1 चम्मच ये पाउडर निकाल लेने के बाद आपको इसमें ऐड करना है कर्ड यानी दही। अगर आप दही खट्टा वाला लोगे तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। ठीक है, 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें खट्टा दही ऐड किया है, और साथ ही साथ मैंने इसमें इस्तेमाल किया है आधे टमाटर के रस का, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है लाइकोपेन, जो हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है, स्किन को टाइट करता है, पोर्स को श्रिंक करता है। बाद में आपको क्या करना है, जो आधा बचा हुआ जो हमारे पास छिलका है इसका, इसको आपको रख लेना है, इसका भी हम बाद में यूज करेंगे, और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा सा एक क्रीमी टेक्सचर में आपको इस तरह का पेस्ट मिल जाने वाला है गाइज। ये पेस्ट आपकी स्किन लाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए और चेहरे से किसी भी तरह के दाग धब्बों को हटाने के लिए बहुत अमेजिंग काम करता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने से पहले आपको अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और क्लीन कर लेने के बाद ये पैक आप अपने पूरे फेस के ऊपर लगाओ। इस पैक का इस्तेमाल गाइज आप अपने हाथ पैरों की टैनिंग को हटाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि ये वनडे चैलेंज है तो वन यूज में ही काफी अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको फेस पे लगाया है और इसको मैं अब सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारा फेस पैक ड्राई हो रहा है गाइस, मैं आज आपको एक बेहतरीन सनस्क्रीन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको मैं पिछले 2 हफ्तों से इस्तेमाल कर रही हूँ। बट इस सनस्क्रीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ले चलती हूँ आयुर्वेद की तरफ। गाइस, हमारी संस्कृति ने हमेशा माना है कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो हमें आयुर्वेद और योग दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा। बट होता क्या है कि हमारी बिजी लाइफस्टाइल, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को हम कहीं पीछे छोड़ जाते हैं, जिसके वजह से नतीजा ये निकलता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता चला जाता है, हमारे चेहरे पर, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्किन इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कील मुहासे, पिगमेंटेशन, बालों का झड़ना और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम कभी नहीं चाहते। बट आयुर्वेद हमसे प्रॉमिस करता है कि अगर हम उसे अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो वो हमें एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल देता है और हमें सुकून भरी जिंदगी देता है। इसी तरह की 5000 साल पुरानी रिसर्च से जन्म होता है आयुगा का, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आयुगा 2% चंदनम सनस्क्रीन। जी हाँ, ये योग और आयुर्वेद दोनों का ही एक बैलेंस्ड फॉर्मूला है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आयुगा 2% चंदनम सनस्क्रीन के बारे में।
यहाँ पे आज जिस सनस्क्रीन की मैं बात कर रही हूँ गाइज, ये है आयुगा की 2% चंदनम सनस्क्रीन। ये क्लिनिकली सर्टिफाइड है, इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस सनस्क्रीन के अंदर आयुर्वेद और योगा दोनों का ही बैलेंस मौजूद है। यहाँ पे मैं आज बात कर रही हूँ आयुगा की 2% चंदनम सनस्क्रीन को, जिसके मैं कुछ हफ्तों से ही अभी यूज़ कर रही हूँ और रिजल्ट्स आर वेरी अमेजिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसकी सबसे ख़ास बात यह है गाइस कि ये सनस्क्रीन आयुर्वेद की 5000 साल पुरानी पद्धति पर आधारित है। ये सनस्क्रीन इस तरह के बॉक्स में आती है जिसके ऊपर सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट सब कुछ आपको मेंशन मिलेगा। आयुगा 2% चंदनम सनस्क्रीन जो कि SPF 50 PA++ के साथ आती है, जिसके अंदर मौजूद है सैंडलवुड यानी 2% चंदन का इस्तेमाल किया गया है। हम सब जानते हैं कि चंदन हमारी स्किन को फेयर करता है, ब्राइटन करता है, सन डैमेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ इसमें मौजूद है टर्मरिक एंड 23 प्रीशियस हर्ब्स। इस सनस्क्रीन के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि इसकी रेसिपी गाइस 5000 साल पुरानी पद्धति अष्टांग हरिद्यम से ली गई है, जो कि क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है। सनस्क्रीन की पैकेजिंग पर ही आपको एक QR कोड दिया गया है, जिसके ऊपर आप स्कैन करोगी तो एक वीडियो खुलकर सामने आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट योगा पोस्चर को अपनाते हुए आपको इस सनस्क्रीन की एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, ताकि इसके रिजल्ट्स आपको और भी अच्छे मिले। सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस से हम सब वाकिफ है गाइस कि ये हमें UVA और UVB रेज से होने वाली सन डैमेज से बचाती है, जो कि होने वाली प्रीमैच्योर एजिंग, रिंकल, सनबर्न, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, टैनिंग से प्रोटेक्ट करती है। आयुगा 2% चंदनम सनस्क्रीन आपकी स्किन को ना सिर्फ इन सारी प्रॉब्लम से बचाती है, बल्कि ये आपको देती है ब्राइटन एंड नेचुरल नरिश और हेल्दी स्किन। इसके अंदर मौजूद 2% चंदनम ऑयल आपकी स्किन के अंदर डीप लेयर तक पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है। इट प्रिवेंट टैनिंग एंड ब्राइटन स्किन। इसका लाइटवेट टेक्सचर एंड फास्ट एब्जॉर्बिंग फार्मूला आपकी स्किन के अंदर अच्छे से इंस्टेंटली समा जाता है। ये बिल्कुल नॉन ग्रेसी है और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। आयुगा के जितने भी प्रोडक्ट हैं गाइस, ये डिजाइन एंड डेवलप किए गए हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ टॉप लीडिंग एक्सपर्ट ऑफ इंडिया, जो कि आयुर्वेदा एंड योगा के फील्ड में है। ये USDA सर्टिफाइड है, साथ ही साथ ये हार्मफुल केमिकल से फ्री है, टॉक्सिन से फ्री है और इसमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही साथ आयुष मिनिस्ट्री से भी ये लाइसेंस्ड है। अभी मैं सनस्क्रीन की आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगी गाइस, बट यहाँ पे हमारे ये पैक सूख गया है, तो इसको आपको क्या करना है, जो टमाटर का छिलका हुआ हमारे पास बचा हुआ था, इसको आपको अपने स्किन के ऊपर रब करना है सर्कुलर मोशन में। जब इस तरह से आप करती हो तो ये आपके फेस से जितनी भी डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटन और लाइटन भी बनाता है। 2 मिनट तक इस तरह से सर्कुलर मोशन में रब करने के बाद आपको वॉश कर लेना है ठंडे पानी के साथ गाइस, और यहाँ पे आप इस एक बार में इसका रिजल्ट देख सकती हैं। 1 यूज में ही स्किन काफी ज्यादा लाइटन और ब्राइटन हो गई है, बहुत ज्यादा खिली खिली सी स्किन लग रही है और स्किन के ऊपर एक फेयरनेस आपको नजर आ रही होगी। तो मैं अपने फेस को यहां पे अब ड्राई कर लूंगी गाइस, डैब डैब करते हुए टॉवल की हेल्प से, और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी आयुगा की 2% चंदनम सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन आपको कुछ इस तरह से थोड़े से अमाउंट में ले लेनी है, जितना कि आपके लिए एनफ हो, और इसको लेकर आप अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हैंड्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई करें डैब डैब करते हुए, और अपने दोनों हाथों की ये 2 फिंगर की हेल्प से इसको आपको अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है। इसका नॉन ग्रेसी और नॉन स्टिकी फार्मूला गाइस मुझे बहुत पसंद आया। इजीली ये आपकी स्किन के ऊपर ब्लेंड होकर स्किन के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाती है, मतलब विद इन ए सेकेंड आपकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट हो जाती है और कोई भी स्पॉट और दाग धब्बा नहीं छोड़ती है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को ब्राइटन भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सनस्क्रीन मैंने अप्लाई की है 2 फिंगर की हेल्प से गाइस, इस तरह से आपको लगाकर इसे छोड़ देना है। और यहाँ पे ये 1 डे चैलेंज का रिजल्ट आपके सामने है, गजब का 1 डे चैलेंज का ही रिजल्ट आपको नजर आएगा। सिर्फ 1 यूज में ही आप देखोगे आपकी स्किन काफी ज्यादा लाइट एंड ब्राइट एंड स्मूथ एंड और यहां तक कि बहुत ही ज्यादा ल्यूमिनस होकर आपकी स्किन आपको बहुत ज्यादा ग्लोई और शाइनी भी लगने वाली है। तो आई होप कि ये 1 डे चैलेंज आपको पसंद आया होगा गाइस, ये जल्दी से आप ट्राई कीजिए और इसके रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और सनस्क्रीन के साथ ही साथ गाइस मैं आयुगा का ही चंदनम रोज वाटर फेस मिस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैं यूज़ करती हूँ जस्ट फेस वॉश करने के बाद। जब मैं अपने फेस वॉश कर लेती हूँ उसके बाद एक स्प्रे इसका अपने स्किन के ऊपर कर लेती हूँ, जिससे मुझे इंस्टेंट मिलती है फ्रेश और हाइड्रेट स्किन। तो आई होप कि आज आपकी बेस्ट सनस्क्रीन की जो तलाश थी वो खत्म हो गई होगी। मैंने आयुर्वेद और योग के कॉम्बिनेशन का एक बैलेंस्ड फार्मूला आपके साथ शेयर किया है, यकीनन जो कि हमारी जिंदगी, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने वाला है।
गया है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। वैसे तो इसको आप परचेज कर सकती हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नायका से, लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बट अगर आप चाहती हो 20% का डिस्काउंट, तो मेरा कूपन कोड है निगार20, जो कि सिर्फ अवेलेबल है आयुगा की वेबसाइट पे। अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करती हो तो आपको इस सनस्क्रीन के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, और जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं प्लीज़ मेरे वीडियोज़ के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।